छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 15 हमारा पर्यावरण इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ही नाम से आपको मालूम है, हमारे चारों ओर का वातावरण। और ये पर्यावरण वाला जो पाठ है, आप मिडिल क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में भी आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे चारों ओर जैव घटक और अजैव घटक दोनों पाए जाते हैं। तो किस प्रकार हमारे पर्यावरण में ये हम देखते हैं कि जो जैव घटक हैं और अजैव, जैव घटक आप जानते ही हो, पेड़ पौधे और समस्त जीव, ये क्या कहलाते हैं? जैव घटक। तो जैव घटक में आप बता सकते हैं, पेड़ पौधे और जितने भी जंतु हैं समस्त समस्त जो जंतु हैं वो क्या हैं? जैव घटक। और जो अजैव घटक होते हैं जैसे मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सारे और क्या कहलाते हैं? अजैव घटक। तो इस प्रकार जैव और अजैव घटकों से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र। और हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। कुछ पारितंत्र प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम हैं। जैसे वन, वन अपने आप बन गया, तालाब, झील, ये सारे आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये सारे पारितंत्र कैसे हैं? प्राकृतिक। और जो मानव द्वारा निर्मित है वो है जैसे बगीचा, खेत, ये हैं मानव द्वारा निर्मित हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे कृत्रिम पारितंत्र। आपने सुंदर सा बगीचा बनाया, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को क्रम से सजावट के तौर पर रख दिए। खेत में आप फसलें बोते हो, तो इसमें भी खेत में भी जैविक घटक होते हैं और अजैविक। एक वन में भी जैविक घटक होंगे, जंगली जानवर होंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, जंतु होंगे। और एक तालाब होगा, तालाब में भी जैव घटक होंगे और अजैविक। लेकिन तालाब के जो जैव घटक होंगे और वन के जो जैव घटक होंगे उनमें अंतर होगा। कैसे अंतर होगा? तालाब में आप मछली पा सकते हो, कुछ जलीय प्राणी पाए जाएंगे, और वन में जंगली शेर, जंगली चीते, जंगली कुत्ते इस टाइप के रहेंगे। तो ये पारितंत्र प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। अब जीवन के निर्वाह के आधार पर हम जीवों को तीन भागों पर बांट सकते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक, जो भोजन को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उपभोक्ता, जो इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। और अपमार्जक वो घटक हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, पदार्थों को सड़ाकर गलाकर उसका अपघटन करते हैं, वो कहलाते हैं अपमार्जक। हम इनके बारे में पढ़ेंगे फिर से। तो उत्पादक पहला क्या है? उत्पादक, उत्पादक का अर्थ आपसे पूछेंगे। उत्पादक मतलब जिनमें भोजन बनाने की क्या होती है? क्षमता।
जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके उदाहरण हैं हरे पेड़ पौधे। और भी कुछ हैं, नीली हरी शैवाल, एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं ये। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नीली हरी शैवाल। इनमें हरित लवक पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक। अब हम पढ़ते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक द्वारा बनाए हुए भोजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, जो केवल उत्पादक का उपयोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी हैं, सिर्फ पेड़ पौधों से बने हुए उत्पादों को ग्रहण करते हैं, वो शाकाहारी। एक होते हैं द्वितीयक भी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपयोग, प्राथमिक जो उपभोक्ता है उनके जैव शरीर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको बोलते हैं द्वितीयक। अच्छा, और इनके उपयोग करने की जो विधि है उसके आधार पर भी हम इनको कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये शाकाहारी हो गया, एक होता है मांसाहारी, ये द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। एक होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब वो सभी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कौआ है तो ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। एक होते हैं परजीवी, जो दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन यापन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परजीवी। तो इस प्रकार भोजन ग्रहण करने की विधियों के अनुसार उपभोक्ता को हम इन चार भागों में बांट सकते हैं। तीसरा होता है अपमार्जक। अपमार्जक समझ गया, ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं। यदि अपमार्जक ना हो तो क्या होगा, ये अपमार्जक सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। अपमार्जक नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, और प्रकृति में उस पदार्थ का क्या लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार प्राथमिक से मांसाहारी सर्वा, इस प्रकार कैसे आहार श्रृंखला चलती है। हमने देखा कि प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है। तो हम जैसे हम पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं तो एक चैन बन जाती है, उसको हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। तो भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला। आहार मतलब हमें भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा। तो ये कहना चाहिए ये ऊर्जा की भी एक श्रृंखला है। तो अलग अलग पारितंत्र होते हैं, एक जंग वन का पारितंत्र में अलग होगा, एक घास का पारितंत्र अलग होगा और एक तालाब का पारितंत्र अलग होगा। पारितंत्र मतलब उसमें पाए जाने वाले जीव पेड़ पौधे के नाम क्या होंगे। आप वन का देखिए, वन में पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा सकता है, क्योंकि ये जंगल में है, घास के मैदान में आपको ये नहीं मिली। घास का मैदान जो हमारे आसपास है ज्यादा घने जंगल में नहीं है, तो यहाँ के पाने वाले जीव अलग प्रकार के होंगे। और यहाँ एक घास के मैदान में देखिए घास होगी, घास को एक मान लो छोटा सा टिड्डा या एक कीट खा रहा है, कीट को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा सकता है, सांप को बाज पक्षी खा सकता है। तो यह है एक घास के मैदान की आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला मतलब जिसमें ऊर्जा, भोजन का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आप देखिए तालाब में छोटे छोटे हरे पेड़ पौधे हैं, इनको मान लो तालाब में केकड़े पाए जाते, केकड़े खा रहा है, केकड़े को
मछली खा रही, मछली को कोई छोटी मछली है तो उसको एक सारस पक्षी खा रहा है, तो ये कहलाती है आहार श्रृंखला। तो ये आहार श्रृंखला आपको अपने दैनिक जीवन में एक नॉलेज होना चाहिए जनरल, कि कौन किसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। आप ऐसा उल्टा नहीं लिख सकते कि मेंढक सांप को खा सकता है, सांप मेंढक को खा सकता है। अब यदि मान लो ये आहार श्रृंखला से हमें ऊर्जा मिलती है, तो हम देखते हैं कि आहार श्रृंखला में किन जीवों की संख्या ज्यादा है। तो आप ये देखिए, एक पिरामिड के रूप में बताया गया है, जिस चीज की संख्या ज्यादा होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। तो मैं मालूम है उत्पादक, उत्पादक में क्या रहते हैं, हरे पौधे, ये हरे पौधे ही भोजन ग्रहण करते हैं, और इनको जो खाता है प्राथमिक उपभोक्ता। हम एक उदाहरण बता दे रहे हैं, मान लो प्राथमिक उपभोक्ता है यहाँ पर खरगोश, क्या है, खरगोश है। तो ये किसको खा रहा है, हरे पेड़ पौधे को, कौन खा रहा है, खरगोश। तो आप देखेंगे पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी, और मतलब 5 पेड़ पौधे हैं मान लो, और इसको खा रहा है एक खरगोश, या मान लो इसको 2 खरगोश, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो चौड़ा हो जाएगा, और इस प्रकार हम देखते हैं पोषी स्तर एक ऊपर कम होता जा रहा है। कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर पतला होता जा रहा है। द्वितीयक मान लो खरगोश को खा रहा है मान लो कोई भेड़िया, भेड़िया मांसाहारी है और ये खरगोश को खा सकता है। और मान लो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, भेड़िया को मान लो कोई एक शेर खा रहा है, तो शेर क्या हो गया यहाँ पर, तृतीयक उपभोक्ता। तो पोषी स्तर, ये पोषण स्तर है, तो उत्पादक को बोलेंगे प्रथम पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता को बोलेंगे द्वितीय, द्वितीय को बोलेंगे तृतीय पोषक, द्वितीय पोषक स्तर इसको, और इस प्रकार हम पोषण स्तर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो खाद्य श्रृंखला और आहार जो श्रृंखला है, तो जहां पर भोजन व ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरण होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। तो ये वाला जो पोषी स्तर है, यह है पहला पोषी स्तर, और प्राथमिक उपभोक्ता होगा द्वितीय पोषी स्तर, ये होगा तृतीय, और इस प्रकार ये होगा चतुर्थ पोषी स्तर। तो ये पोषी स्तर में आप समझ गए कि आहार के माध्यम से हमने ये पोषी स्तर को बताया गया है। अब हम देखेंगे विभिन्न घटकों के बीच पोषी स्तर हो रहा है, आप देख रहे हैं इसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। तो ऊर्जा का प्रभाव उत्पादक वाले स्तर से ऊपर जाने पर ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो कम होता चला जाता है, और जो प्रतिशत है वो 10% के अनुसार कम होता है। तो जो सौर ऊर्जा है, प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य, ये सबको मालूम होना चाहिए। प्रकृति में ऊर्जा वास्तव में आती कहाँ से है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा को पेड़ पौधे उसको बदल कर अपने भोजन के रूप में एक रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। उसको किस में बदल लेते हैं, आपने नियम पढ़ा है ऊष्मा का, कि ऊष्मा का ना कभी ऊर्जा का ना कभी नष्ट होती है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा स्थानांतरण का ये नियम पड़ा हुआ है। तो 1% भाग सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वो भी किसके द्वारा, हरे पौधे के द्वारा। हरे पौधे मान लो जितनी भी ऊर्जा एकत्रित करते हैं उनको उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है, और वो ऊर्जा की बड़ी मात्रा कुछ ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, कुछ ऊर्जा जीव अपने शरीर के निर्माण में बचा के रखते हैं, शरीर में वृद्धि होती है, जनन होता है, पाचन होता है। उसके बाद भोजन की 10% ऊर्जा को वो जैव मात्रा में बदल देते हैं, और जो अगला स्तर है उसके उपभोक्ता उसको ग्रहण
करेंगे। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत हो रहा है एक स्तर से दूसरे स्तर पर? 10%। ये हमेशा आता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा कितनी जाती है, तो कितनी जाती है? कुल ऊर्जा का 10%। अब मान लो प्रत्येक स्तर पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक जाता है, और जो बाद के स्तर होंगे, हम आपको बताते हैं कि जो जैसे तृतीय उपभोक्ता है तो इसको ऊर्जा बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इसका 10%, इसका 10% ये लेगा, इसकी जो कुल ऊर्जा उसका 10% ये लेगा। तो जो अंतिम या तृतीयक उपभोक्ता है उसको क्या मिलेगी? ऊर्जा बहुत कम मिलेगी, ये देखिए आप। और आहार श्रृंखला यदि जितनी ज्यादा लंबी होगी तो ऊर्जा का इस कम मिलेगी, इसलिए आहार श्रृंखला या तो 3 या 4 चरण की होती है, कहीं कहीं 5 चरण की भी हो सकती है, कि जो बाद वाले पोषी स्तर हैं उनमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ही क्या होगी? कम होगी। यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। अब हम चलते हैं, नियम नहीं है कि हिरण को शेर ही खाएगा, पेड़ पौधों को खरगोश ही खाएंगे। कभी कभी क्या होते हैं, जो चीज जैसी उपलब्ध होती है तो एक खाद्य जाल बन जाता है। तो जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में मिलकर एक जटिल पथ बनाती हैं और एक जाल बना लेती हैं, इसे हम बोलते हैं खाद्य जाल बोलते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हो, ये इतने सारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को नियम नहीं है कि हमेशा ये ही ऐसा खाएं। इस पेड़ पौधे को इस प्रकार हम देखते हैं, छोटे कीट खाते हैं, छोटे कीट ये चूहा जो भी है सूक्ष्म जंतु वो खा सकता है, खरगोश खा सकता है, खरगोश को ये भी खा सकता है, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये भी खा सकता है। तो इस प्रकार ये ईगल जो बाज पक्षी है, ये बाज इस सांप को भी खा सकता है, और सांप ये मोर के द्वारा भी खाया जा सकता है। तो इस प्रकार एक जाल बन गया है, क्या बन गया है? जाल बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। और प्रकृति में ये खाद्य जाल पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक ऊर्जा का प्रभाव का भी, मैंने जो शुरू में बताया वही है कि सूर्य का प्रकाश को उत्पादक लेते हैं, उत्पादक मतलब जो भोजन बनाते हैं, उत्पादक हरे पेड़ पौधे, और इनको शाकाहारी जो इनको सीधे खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी के बाद जो लेंगे वो मांसाहारी, इनको भी जो खाएगा उसको क्या बोलेंगे? सर्वोच्च मांसाहारी। तो इस प्रकार ऊर्जा का ये प्रभाव देख रहे हो आप, ये कॉलम चौड़ा है, ये सकरा, फिर इससे सकरा, तो ऊर्जा का प्रभाव हमेशा निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर कम होता चला जाता है। अब जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन आपने देखा है कि पौधों में हम कीटनाशक पीड़क नाशक उर्वरक या हम तो जैव आवर्धन क्या है कि जीवों में कुछ हानिकारक रसायन होते हैं जो पौधों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां ये क्या हो जाते हैं? संचित होने लगते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। और ये वर्तमान में हो रहा है हमारे शरीर में, धीरे धीरे हानिकारक पदार्थ इकट्ठे होने लगे। कहाँ से आते हैं वो? जल के द्वारा। यदि हम मान लो सब्जियां बिना धुली सब्जियां खाते हैं तो उन पर हमने छिड़काव किया है पीड़क नाशक की ना, और उर्वरक। ये पेड़ पौधों को यदि हम बिना अच्छे से धोए खा लेते हैं तो इनकी मात्रा धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हमारे शरीर में नहीं, सभी जंतुओं के, यहाँ तक कि तालाब में रहने वाली जो मछलियाँ हैं, जीव, वो भी कुछ, उनके शरीर में यदि ये पदार्थ हानिकारक इकट्ठे हो जाते हैं फिर उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो इस हानिकारक पदार्थ जो इकट्ठे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। और ये बहुत नुकसानदायी होता है। तो ये हमें आहार श्रृंखला में के द्वारा पहुंचते हैं, ये
इसके बाद इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर लिखिए और शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी बतलाएं। धन्यवाद।